गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर टू डेज क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फिट इन फाइन एट योर होम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की क्लास अटेंड करेंगे एंड मैथ्स की क्लास में आज हमारा टॉपिक है राइट काउंटिंग 201 to 210। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीक में 6 and 7 की टेबल को लर्न किया था। हमने पूरा वीक 6 and 7 की टेबल ही लर्न की है। आई होप आपने लर्न की है और अपने नोटबुक में राइट डाउन भी की होगी। किया है आपने वो वर्क कंप्लीट? आपको पहले 6 and 7 की टेबल को कंप्लीट करना है और राइट डाउन करना है आपकी नोटबुक में और लर्न भी करना है साथ में। ओके, आपको सैटरडे के दिन भी मैम ने 6 and 7 की टेबल करने के लिए दी थी ना रिविजन में, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है, अगर आपकी वो हो गई हो तो अब हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राइट काउंटिंग 201 to 210। आपको पूरे पेज में 201 से 210 तक काउंटिंग करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 201। ओके, यहाँ 201 है तो आप देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ 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 201 वाली काउंटिंग ही लर्न करनी है, राइट डाउन करनी है। ठीक है, आपको बिग नंबर्स वाली काउंटिंग लर्न करने के लिए दे रहे हैं मैम आप, तो आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। सो यहाँ पर 201, फिर 202, 203, आपको राइट डाउन करते जाना है। 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210। ओके, देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने 101 वाली राइट डाउन की थी, लर्न की है, वैसे ही आपको 201 वाली करनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ आगे 1 रहता था, वहां 2 आ गया, आप 101 बोलते थे तो अब 201 बोलना है आपको। ठीक है, और कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये लर्न कर ली है ना, सब बच्चों को ये 101 वाली लर्न हो गई है। अगर आपको ये वाली लर्न हो गई है तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है, और आपको मजा भी आएगा इस वाली टेबल काउंटिंग को लर्न करने में। ठीक है, सो इस तरह से आपने ये 1 लाइन बनाई है, ऐसे ही आपको बाकी की सारी लाइंस भी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे भी आपको 201 राइट डाउन करना है। ठीक है, ये राइट डाउन कर लिया आपने। अब आप यहाँ पर भी बोल बोल के करेंगे, जैसे मैं अपने 1 लाइन को बोल बोल के किया, ऐसे सेकेंड लाइन को भी बोल के करेंगे। 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210। ओके, ऐसे ही बोल बोल के करना है आपको 210। ठीक है, 210 कैसे बनेगा? 210 210 210। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे बनाते थे ना, 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा? 210। ठीक है, 210 आ जाएगा यहाँ पर। फिर ऐसे ही आपको नेक्स्ट लाइन भी करनी है, 201 202 203, आराम से करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में। 204 205 206 207 208 209 210, 210 ऐसे राइट डाउन करना है आपको। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इस लाइन को भी ऐसे ही करना है, पर बोल बोल के करना है ताकि आपको लर्न हो जाए। 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210। ओके, इस तरह से आप ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी आप ही को करना है, और यहाँ पर मैम ने आपको 201 वाली सिखाई है, इसको आपको नहीं करना है, ये बस आपको बताने के लिए करवाया मैम ने। बाकी आपको ये वाला कंप्लीट करना है, ये आपको आपकी ये वर्क आपको आपकी नोटबुक में ही करना है, ठीक है? जो आपकी नोटबुक है ना, उसके अंदर आप ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और बोल बोल कर करेंगे ताकि आपको लर्न हो। अब ये बॉय आपको सुना रहा है, आपको सुनना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210। ओके, देखो जैसे इस बच्चे ने बोला है वैसे ही आपको भी बोलना है, ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।